ऑफ यू लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री फेज वन में सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज देखा था. बेसिकली हमने कोसाइन सीरीज देखी थी इन विच एनी एंगल इज डबल ऑफ इट्स प्रीवियस एंगल. उस पर बेस्ड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं. चलिए देखें. पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 3 थीटा प्लस साइन का पावर 4 5 थीटा प्लस साइन का पावर 4 7 थीटा वे थीटा इक्वल टू पाई बाय 16. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 16 थीटा की वैल्यू क्या है भाई. 16 थीटा की वैल्यू है पाए. तो 8 थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2. पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री. अब अगर 8 थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है तो क्या मैं 7 थीटा को 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ. भाई हमारे पास जो 8 थीटा है वो क्या होगा 7 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा. तो क्या मैं 7 थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ. सिमिलरली 3 थीटा प्लस 5 थीटा की जो वैल्यू होगी 3 थीटा प्लस 5 थीटा की वैल्यू भी पाई बाई 2 होगी. तो क्या मैं 5 थीटा को पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा लिख सकता हूँ. सही है. तो अब मैंने क्या किया कि हमारे पास जो 7 थीटा था उस 7 थीटा की जगह मैं पुट कर रहा हूँ पाई बाई 2 माइनस थीटा और 5 थीटा की जगह मैं पुट कर रहा हूँ पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा. जैसे ही मैंने ये पुट किया तो ये मेरे पास हो गया साइन का पावर 4 थीटा प्लस आ गया साइन का पावर 4 3 थीटा प्लस आ गया साइन का पावर 4 पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा. पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा प्लस हो गया साइन का पावर 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा. अब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है. साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो ये हमारे पास आ गया साइन का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 3 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 3 थीटा और प्लस आ गया हमारे पास कॉस का पावर 4 थीटा. अब मैंने साइन और कॉस वाले साथ साथ लिख लिए तो ये हो गया साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा और प्लस हमारे पास आ गया साइन का पावर 4 3 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 3 थीटा. तो ये हमारे पास आ गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये जो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और आइडेंटिटी लगा देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab. तो माइनस ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2. तो 2 को मैंने लिख दिया 1 अपॉन 2 इंटू 4. तो अंदर हमारे पास आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर. तो 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा. तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा जो हमारे पास था इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा. सिमिलरली जब यहाँ पे थीटा था तो 2 थीटा आ गया, 3 थीटा हुआ था तो 6 थीटा जाएगा. ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर 6 थीटा. ये हो गया. अब प्लस 1 हमारे पास हो गया 2. इन दोनों में से अगर हाफ कॉमन लेंगे माइनस का तो अंदर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 6 थीटा. ये आ जाएगा. अब अगर हम देखें तो 2 थीटा प्लस 6 थीटा 8 थीटा और 8 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है पाई बाई 2. तो अगर 8 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है भाई हमारे पास 8 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है तो ये 2 थीटा प्लस 6 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है. तो मैं 6 थीटा को क्या पुट कर सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. तो ये साइन स्क्वायर 6 थीटा को मैंने रख दिया 6 थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा. तो ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा. साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा 1 और 1 बाई 2 इंटू 1 हो गया 1 बाई 2 और 2 माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 बाई 2. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया 3 बाई 2. आएगा समझ में. नोट कर लीजिए यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं. बहुत ही प्यारा सवाल है. बोला गया फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट 3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री. ठीक है. हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है. अगर हम देखें तो 20 डिग्री की वैल्यू तो हमें कुछ याद है ही नहीं. तो फिर हम इसे कुछ ऐसा करें कि ये सॉल्व हो जाए और हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर आ जाए. तो इसे मैंने सबसे पहले वही किया जो हम करते हैं. सबसे आसान स्टेप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो ये साइन 20 डिग्री हो गया और ये 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री हो गया.
एलसीएम लेंगे तो ये नीचे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ये जाएगा रूट थ्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस ऑफ वन इंटू साइन 20 डिग्री। अब देखिए भाई ऐसा कुछ हो रहा है, हमें इसे सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे रूट थ्री वाई टू कर दूँ और यहाँ पे वन वाई टू कर दूँ तो दोनों की वैल्यू हमें पता है ना। तो मैंने कुछ ऐसे ही करने की कोशिश किया, मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड बाई टू और डिवाइड बाई टू कर दिया। डिवाइड बाई टू करेंगे तो ये रूट थ्री वाई टू इंटू हो जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस हो जाएगा वन वाई टू इंटू साइन 20 डिग्री और अपॉन हमारे पास क्या जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब रूट थ्री वाई टू अगर साइन 60 है तो वन वाई टू कॉस 60 है, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो ये मेरे पास आ गया 2 और ये आ गया हमारे पास साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, ये आ गया और अपॉन में हमारे पास आ गया साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब देखो यहाँ तो कुछ फॉर्मूला लग रहा है भाई, देखिए आप साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है साइन ए माइनस बी, तो साइन 60 माइनस 20 क्या हो जाएगा साइन 40 हो गया ना, और साइन 40 अगर ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास लिखा है 2 इंटू साइन 40 डिग्री और नीचे हमारे पास लिखा है साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। यहाँ पे हम साइन 2a का फॉर्मूला लगा दें तो साइन 2a क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री अपॉन हमारे पास आ जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या जाएगा इसका 4। नोट कर लीजिए भाई, क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉसेक 10 डिग्री माइनस ऑफ रूट 3 इंटू सेक 10 डिग्री। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैंने कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन 10 डिग्री माइनस हो गया रूट 3 अपॉन कॉस 10 डिग्री। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू हो जाएगा कॉस 10 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस हो जाएगा रूट 3 इंटू साइन 10 डिग्री। अब चूंकि ये बहुत ही आसान है क्योंकि हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर ये 1 की जगह 1 बाई टू होता और रूट 3 की जगह रूट 3 बाई टू होता तो इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 बाई टू इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस हमारे पास आ गया रूट 3 बाई टू इंटू आ गया साइन 10 डिग्री और अपॉन हमारे पास आ गया साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। अब 1 बाई टू किसकी वैल्यू होगी साइन 30 डिग्री की और रूट 3 बाई टू किसकी वैल्यू होगी कॉस 30 डिग्री की। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री और अपॉन में हमारे पास आ गया साइन 10 रूट 2 नहीं है 2 है सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी मतलब साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी मतलब साइन 20, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू साइन 20 डिग्री और अपॉन हमारे पास आ गया साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री और साइन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री अपॉन हमारे पास आ गया साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, साइन 10 कॉस 10 कैंसिल हो गया तो आंसर हमारे पास 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारे पास 4। नोट कर लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉट 70 डिग्री प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस 70 डिग्री। तो इसको मैंने सबसे पहले क्या किया कि कॉट 70 को कॉस 70 अपॉन साइन 70 लिख दिया प्लस हमारे पास हो गया 4 कॉस 70 अपॉन 1। अब मैंने एलसीएम लिया तो आया साइन 70, ये यहाँ चला गया तो ये हो गया 4 कॉस 70 साइन 70 और ये कॉस 70 जो करते हो, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। अब इस 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 तो 2 कॉस 70 इंटू साइन 70 ये क्या हो गया हमारे पास साइन 140 और साइन 140 को हमने लिखा साइन 180 माइनस 40, क्या लिखा आपने इसको साइन 180 माइनस 40। भाई जो हमारे पास साइन 140 डिग्री था इस साइन 140 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 40 डिग्री,
तो ये हो गया 2 sin 40 degree और ये हो गया cos 70 degree और अपॉन में sin 70 degree। अब cos 70 degree जो हमारे पास है, क्या मैं इसको sin 20 degree लिख सकता हूँ? क्या बोला मैंने, ये जो cos 70 degree आपके पास है इसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ 90 degree माइनस 20 degree, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो ये क्या जाएगा sin 20 degree। तो मैंने cos 70 की जगह लिख दिया sin 20 और 2 sin 40 को मैंने sin 40 प्लस sin 40 लिख दिया, और फिर यहाँ पे मैंने sin c प्लस sin d लगाया तो हो गया 2 sin c प्लस d by 2, तो 40 प्लस 20 60 by 2 इज 30 इंटू cos c माइनस d by 2, तो 40 माइनस 20 20 अपॉन 2 मतलब cos 10 और प्लस sin 40। अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ बाई 2 sin 30 डिग्री लिखा हुआ है, 2 इंटू sin 30 डिग्री, sin 30 होता है हाफ, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो 2 sin 30 डिग्री ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बचा cos 10 डिग्री प्लस sin 40 डिग्री अपॉन sin 70 डिग्री। cos 10 डिग्री को हमने लिख दिया sin 80 डिग्री, लिख सकते हैं अपन भाई, अगर हमारे पास है cos 10 डिग्री तो ये हो जाएगा cos ऑफ 90 माइनस 80 डिग्री, और cos ऑफ 90 माइनस 80 डिग्री क्या हो जाएगा sin 80 डिग्री, तो इसको मैंने लिख दिया sin 80 डिग्री प्लस sin 40 डिग्री अपॉन sin 70 डिग्री, या मैंने लगाया sin c प्लस sin d, तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d by 2, तो 80 प्लस 40 120 अपॉन 2 मतलब sin 60 इंटू cos c माइनस d by 2, तो 80 माइनस 40 20 अपॉन 2 मतलब cos 20 और अपॉन हो गया sin 70। अब sin 70 की वैल्यू क्या होगी, cos 20 के वैल्यू के इक्वल होगी भाई, sin 70 जो हमारे पास है, sin 70 डिग्री जो आपके पास है इसको आप sin ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, तो क्या इसकी वैल्यू cos 20 के इक्वल होगी, तो cos 20 और sin 70 इक्वल होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 sin 60, और sin 60 होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या जाएगा √3, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा √3। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 2√2 sin 10 degree, ब्रैकेट के अंदर है sec 5 degree upon 2 प्लस cos 40 degree upon sin 5 degree माइनस ऑफ 2 sin 35 degree। अब इसमें क्या करें, तो मैंने ये सोचा कि यार ये अपॉन में sin 5 आ रहा है, sec को अपन अपॉन में लिखेंगे तो अपॉन में cos 5 आएगा, तो मैं इस sin 10 को अंदर ले जाऊँ, क्योंकि sin 10 जब अंदर जाएगा तो sin 2 थीटा से 2 sin 5 cos 5 होगा, तो डिनोमिनेटर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमिनेटर वाले फॉर्मूले अपन ने पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहले मैं sin 10 अंदर ले गया, तो sin 10 इंटू sec 5 डिग्री अपॉन 2 हो गया, sin 10 इंटू cos 40 डिग्री अपॉन 2 हो गया, और ये 2 sin 35 डिग्री इंटू sin 10 हो गया। अब यहाँ sin 10 को मैंने लिख दिया 2 sin 5 डिग्री इंटू cos 5 डिग्री और sec 5 को 1 अपॉन cos 5। यहाँ पे हमने sin 10 को लिख दिया 2 sin 5 डिग्री इंटू cos 5 डिग्री cos 40 एज इट इज अपॉन में sin 5, तो ये 2 cos 5 कैंसिल होकर sin 5 डिग्री बचा। यहाँ पे sin 5 कैंसिल हो गया, तो 2 cos 5 into cos 40 बचा, मैंने पहले लिख दिया cos 40, फिर लिख दिया cos 5, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 cos 40 into cos 5 और माइनस हो गया 2 sin 35 into sin 10। देखो अब हमें क्लियर हो गया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे 2 cos है cos भी लगेगा, यहाँ पे 2 sin है sin भी लगेगा, क्लियरली दिख रहा है हमें, हमने यहाँ पे 2 cos है cos भी लगाया तो आ गया cos a plus b मतलब 40 plus 5 45, plus cos a minus b तो 40 minus 5 is 35 cos 35। यहाँ पे हमने माइनस ये जो का तो है 2 sin a sin b लगाया, क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी मतलब cos 35 माइनस 10 इज 25 माइनस cos a प्लस बी 35 प्लस 10 इज cos 45। अब हमारे पास ये जो है ब्रैकेट्स ओपन कर दी हमने, तो ये sin 5 ये cos 45 cos 35 sin 5 cos 45 cos 35 माइनस अंदर जाएगा माइनस cos 25 प्लस cos 45 माइनस cos 25 प्लस cos 45 cos 45 एक है cos 48 दो है, तो 2 cos 45 हो गया प्लस sin 5 हो गया। अब ये हमारे पास बचा cos 35 डिग्री माइनस ऑफ cos 25 डिग्री, यहाँ पे मैंने cos c माइनस cos d लगाया, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 sin c प्लस d by 2, तो 35 प्लस 20 60 by 2 is sin 30 into sin c माइनस d by 2, तो 35 माइनस 25 10 by 2 is sin 5, जो sin 30 होता है 1 by 2, 1 by 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा माइनस साइन 5, तो ये माइनस साइन 5 और ये प्लस साइन 5 कैंसिल हो गया, तो बचा √2 और √2 इंटू 2 √2 क्या हो गया 4। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना।